भविष्य के लिए संस्कारयुक्त शिक्षा में वातावरण के लिए और नुक्कड़ सभा का आयोजन यह किया जा रहा है। सभी ग्रामवासी माता बहने यहाँ पधारे और विद्या भारती हमारा जो संस्थान है, संपूर्ण देश में विद्या भारती के विद्यालय चलते हैं, उनमें अपना विद्या भारती का विद्यालय हिंडोन जिसकी स्थापना अप्रैल 1989 में हुई, सबसे पहले 2002 में पहला बैच दसवीं कक्षा का निकला जिसमें 48 भैया बहन थे, छात्र छात्रा थे, 48 जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए और मेरिट देने में यह विद्यालय सबसे अग्रणी रहा है। इस साल 2023 का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। इसके लिए आपको एक संक्षिप्त जानकारी, ये विद्या भारती का विद्यालय न केवल शिक्षा देता अपितु संस्कार देता है। इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा परिणाम में हमारे दसवीं कक्षा में 91 छात्र छात्रा यानी भैया बहन प्रविष्ट हुए, जिनमें से 19 छात्रों के 90+ अंक हैं और विद्यालय हैं। बच्चों में एक श्रेष्ठ संस्कारों का विकास इन विद्यालयों के द्वारा किया जाता है। भारतीय संस्कृति को हमेशा ध्यान में रखते हुए जो वर्तमान समय में उसकी बहुत नितांत आवश्यकता है, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमारे देश पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। खान पान की दृष्टि से, पहनावे की दृष्टि से और आचार विचार की दृष्टि से तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। विद्या भारती उच्च हमारे भारतीय मूल्यों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी दृष्टि से मैं आपको एक परिणाम जो हमारा सत्र 2022-23 में परिणाम रहा था उसके बारे में मैं आपको पांचवी बोर्ड, आठवीं बोर्ड, टेंथ बोर्ड और बारहवीं, ये जो हमारी बोर्ड की क्लास है सरकार द्वारा निर्धारित है, पांचवी बोर्ड में 105 विद्यार्थी हमारे सबमिट हुए, इनमें 64 भैया करके सिखाया जाता है। छोटे बच्चों को यदि दाल का अभ्यास कराना है तो दाल को उन्हें वास्तव में दिखाया जाएगा। उन्हें खीर का सिखाना है, खीर क्या है तो बनाकर खिलाई जाती है शिशु वाटिका में, और शिशु वाटिका के ढेर सारे उपकरण और वहाँ खेलने के जो नए नए उपकरण है, खिलौने हैं, बालकों को उनसे परिचय कराया जाता है। यदि उनको शेर पढ़ाना है तो शेर का वास्तव में जो भी चित्र है जो बना हुआ है उससे स्पर्श करा के छू करके ये ज्ञान कराए जाते हैं। इसी प्रकार से परिणामों में जिला बोर्ड का जो परिणाम था उसमें भी हमारे 91 बालक बैठे भैया बहन, जिनमें से 53 की ऑल ओवर ए ग्रेड है और 26 की बी है, और इस प्रकार से सी जो ग्रेड है यानी 53 भैयाओं की ऑल ओवर ए ग्रेड है, बी है 23 की और सी ग्रेड 14 की है, डी ग्रेड मात्र एक की है। पांचवी बोर्ड में हमारे जो भैया बैठे हैं उनमें से परिणाम 100% है दोनों का, आठवीं और पांचवी का, उसमें 64 की ऑल ओवर ए ग्रेड है और बी ग्रेड 36 की है और सी ग्रेड मात्र 5 की है, डी और ई पर कोई नहीं है। इस प्रकार परिणाम की समीक्षा करें तो ग्रामवासियों परिणाम की दृष्टि से और भी हम बेहतर सुधारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी कमियां त्रुटियां ये मानव को पग पग पर सिखाती हैं। इसलिए आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि इस डागरवाटी क्षेत्र के 900 रुपए है, शुल्क भी 3 किस्तों में मिल जाता है। कक्षा एकादशी और द्वादशी में मात्र बहनों के लिए यानी छात्राओं के लिए कला संकाय संचालित है, जिसमें यदि बालिका की 10वीं में 80% से ऊपर अंक है तो उसे शुल्क में 25% की छूट और एक बैग, 2 गणवेश, 5 पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। अन्य सभी 11वीं 12वीं में प्रवेश लेने वाली बहनों के लिए भी शिक्षण शुल्क पूरा लगेगा, किंतु गणवेश, 2 गणवेश, 1 विद्यालय का वेग और 5 पुस्तकें निःशुल्क दी जाएंगी। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि अपने बालकों को, होनहार नौनिहारों को आदर्श विद्या मंदिर में प्रवेश करवाएं, संस्कार युक्त शिक्षा दिलवाएं। आज की पीढ़ी में पाश्चात्यकरण के दौर में बालक संस्कारों को खोते नजर आ रहे हैं, और यह भी नहीं समझे कि हमारे यहाँ